हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेबी विद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे। टॉपिक का नाम मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, विद्युत धारा प्रवाहित दो समांतर चालकों के मध्य लगने वाला बल, या फिर अगर इसको बोले फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। टॉपिक पे हम जाने से पहले थोड़ा बहुत मैं इसका आइडिया दे देता हूँ कि हम आज डिस्कशन करेंगे, अगर दो कंडक्टर से या चालक हैं और वो एक दूसरे से समांतर डिस्टेंस पे रखे हैं, पैरेलल डिस्टेंस पे रखे हैं, और उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो टॉपिक के मेन हिस्से पे जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, जिससे कि हमें मेन टॉपिक को समझने में काफी हेल्प रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट के बारे में सबने बेसिक्स जानकारी सबने ले रखी होगी। मैंने एक मैग्नेट यहाँ पे दिखाया है, ये सिंपली क्या है, बार मैग्नेट है। इसमें क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट का मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर रखा है, और हमने यहाँ पे क्या दिखा रखा है, मैग्नेटिक लाइन्स दिखा रखी है। और सबने बेसिक फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि जो मैग्नेटिक लाइन्स होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे क्या होती है, इंटर करती हैं, ठीक है। तो ये रेड कलर से हमने जो दिखाया मैग्नेटिक लाइन्स को दिखाया है, तो यहां से हमने दिखाया कि देखो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल पे इंटर कर गई। ऐसे दूसरी मैग्नेटिक लाइन से, ये कई सारी मैग्नेटिक लाइन्स हैं, सारी की सारी मैग्नेटिक लाइन्स नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल पे इंटर कर रही हैं। और जितनी भी मैग्नेटिक लाइन्स होती हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज सबने पढ़ रखी होंगी। मैग्नेटिक लाइन्स क्या होती है, हमेशा क्लोज पाथ के रूप में चलती हैं, मतलब एक हमेशा इसका क्लोज रास्ता होगा। दूसरा प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, मैग्नेट के बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन होती है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन शो करें तो ऐसे, तो मैग्नेट के अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर क्या है, नॉर्थ से साउथ। तीसरी प्रॉपर्टी की, कभी भी दो मैग्नेटिक लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है। ये बेसिक्स हो गया मैग्नेट का, बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो हमें काम की चीजें उसको हम डिस्कस करेंगे। अब अगला जो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि अगर हम दो मैग्नेट को पास में लाते हैं तो क्या होता है, ये सबने देखा होगा बचपन में, जब दो चुंबक एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो उसमें या तो फोर्स एक दूसरे के पास आते हैं या फिर क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, सबको पता ही होगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर मान लो दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है। अब ये दोनों के जो पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, एक दूसरे के पास पास में, यहाँ पे मैंने दो दिखा रखा है, साउथ पोल है और इसका क्या नॉर्थ पोल है। तो अगर दो अपोजिट पोल साउथ और नॉर्थ पास में आएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, मतलब दोनों मैग्नेट एक दूसरे की तरफ जाएंगे, खींचेंगे। अगर दोनों सेम पोल, दूसरी कंडीशन जो मैंने यहाँ नीचे दिखा रखी है, यहाँ पे साउथ साउथ पोल आ गया, या फिर एक कंडीशन और हो सकती है कि यहाँ पे क्या जाए, नॉर्थ पोल आ जाएगा इसका और इसका क्या जाए, नॉर्थ पोल। तो कहने का मतलब क्या, अगर सेम पोल आ गए तो वहां पे क्या लगेगा, रिपल्सन, मतलब ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागेंगे। और पहले वाले केस में जब अपोजिट पोल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा। इसके बाद तीसरी चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक को समझने में, ये कॉन्सेप्ट है क्रॉस और डॉट वाला, इसको भी समझ लेते हैं, ये काफी लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, क्रॉस और डॉट। तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा बोर्ड पे, एक तरफ दिखा रखा क्रॉस, दूसरी तरफ दिखा रखा डॉट। तो क्रॉस और डॉट का मतलब क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज मान लो, कोई भी एक मैग्नेटिक लाइन्स है, चुंबकीय लाइन्स है, या फिर कहते करंट है, या कोई वायर है, और ये करंट क्या है, इस प्लेन के अंदर जा रही है, या मैग्नेटिक लाइन्स क्या है, इस प्लेन के अंदर जा रही है। तो इनसाइड द प्लेन, कोई भी चीज जिसकी डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द प्लेन है, उसको हम किससे दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे, ठीक है। और अगर ये मैग्नेटिक लाइन्स क्या है, बाहर की तरफ निकल रही हैं, मैग्नेटिक लाइन्स अगर इस प्लेन से बाहर की तरफ निकल रही है तो उसको किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। या फिर मान लो एक वायर है और इस वायर में करंट क्या है, बाहर की तरफ निकल रही है, तो हम इसको सिंपल का दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। और अगर इस वायर में करंट अंदर की तरफ जा रही है, इसको हम क्या दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। तो ये भी एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने में करते हैं, जिसको कहते हैं क्रॉस और डॉट। सबको समझ में आया, क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन, डॉट मतलब आउटसाइड द प्लेन। हम लोग मैग्नेटिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल और जान लेते हैं, कि अगर कोई भी कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर में मान लो एक कंडक्टर है आपके सामने, अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये सबने ऑब्जर्व किया होगा, अगर जो हाई टेंशन लाइन होती है, जो बड़ी बड़ी लाइनें होती है, अगर हम उसके नीचे से जाते हैं तो हमें क्या होता है, एक मैग्नेटिज्म
का फील होता है, चुंबकत्व का फील होता है। और लोग कहते हैं कि जो हाई टेंशन लाइनें होती है उसके नीचे से नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो हम यहां से एक चीज निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर भाई कोई भी कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब इसका उल्टा भी होता है, अगर मान लो कोई एक कंडक्टर है उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने के पश्चात क्या होगा, उसमें करंट आई फ्लो होने लगेगी। कहने का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, या फिर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं। दोनों प्रोसेस एक दूसरे का वाइस वर्सा है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं। हमने यहाँ पे आप लोगों को दो कंडक्टर दिखाए, एक कंडक्टर ए बी और एक कंडक्टर सी डी। इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। और ये जो दूरी है हर पॉइंट पे सेम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब इसमें बहने वाली करंट हमने मान लिया एक में I1 है और एक में I2 है। अब हमें क्या करना है, इनमें जो फोर्स लगेगा, दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो फोर्स लगेगा करंट के बहने के पश्चात, वो कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैग्नेटिज्म का बेसिक रूल अप्लाई करना होगा। यहाँ पे ये कंडक्टर है, जब इसमें करंट आई फ्लो होगी तो क्या होगा, जब एक करंट आई फ्लो होगी तो इसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ऐसे ये कंडक्टर है, जब इसमें करंट I2 फ्लो होगी तो क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड को पहले बनाना है। हमें देखना है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसको हम कैसे यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो इसको इसके लिए भी बहुत एक बेसिक मैग्नेटिज्म का रूल है कि अगर मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हम हाथ में दाहिने हाथ से ऐसे पकड़े कि जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में, तो उंगलियां क्या दिखाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये कंडक्टर है, अगर हम इसको ऐसे पकड़ें तो उंगलियां जो होंगी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगी। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस कर लेते हैं, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड इसकी बन जाएंगी। ठीक है, अब आता है क्रॉस और डॉट वाला कॉन्सेप्ट, जो जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था। अगर मान लो कोई भी चीज, अगर मान लो मैग्नेटिक लाइंस प्लेन के अंदर जा रही है, अगर मान लो मैग्नेटिक लाइंस कहाँ जा रही है, प्लेन के अंदर जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस। और अगर ये मैग्नेटिक लाइंस क्या है, ऐसे घूम के इधर से निकलेंगी तो इधर क्या बन जाएगा, डॉट। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्रॉस डॉट कैसे रखेंगे। इधर की मैग्नेटिक लाइंस क्या है, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस बनी ना, इसमें अगर अंगूठा को ऊपर करंट डायरेक्शन रखे तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बनेंगी। तो इधर प्लेन के अंदर जाएंगी तो ये क्रॉस बन जाएगा, इधर से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी तो ये क्या बन जाएगा, डॉट। अब क्या है, इसके साथ साथ हमें पोल भी प्लॉट करना है कि भाई अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो पोल्स को प्लॉट करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि नॉर्थ से क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस हमेशा निकलती हैं, और साउथ में क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस हमेशा इंटर करती हैं। ठीक है, तो यहां से देखो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है, इस ये वाला जो एरिया है, इधर वाला एरिया, यहां से क्या मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रही है, डॉट है ना, डॉट से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रही है। तो यहां पे कौन सा पोल बन जाएगा, जहां से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और यहां पे मैग्नेटिक लाइंस इंटर कर रही है इस जगह पे, तो यहां पे कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल। इस चीज को मैं आपको एक बार रिविजन करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जब वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस निकलती है, और साउथ पोल पे क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस इंटर करती हैं। ये चीज मैंने बताई थी। तो यही चीज है, यहां से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है तो ये कैसा, ये एरिया कैसा होगा, नॉर्थ पोल जैसा होगा, और यहां से मैग्नेटिक लाइंस इंटर कर रही है तो ये कैसा होगा, साउथ पोल जैसा होगा। अब यहाँ पे हम यही सेम चीज प्लॉट कर लेते हैं। अब इसमें क्या, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस करेंगे पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, इधर की तरफ अंदर जाएंगे, इधर से क्या होंगी, मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलेंगी। तो जहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं वहां कौन सा पोल आता है, नॉर्थ पोल। तो यहां पे हम बना लेंगे नॉर्थ पोल, और यहां से मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ घुस रही हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कंडक्टर्स दिए हैं उसमें करंट के हिसाब से पोल्स बना लेंगे, नॉर्थ साउथ। पोल बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, जिधर से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और जिधर मैग्नेटिक लाइंस घुस रही हैं उसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल। बेसिक मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं कि यहां से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है तो नॉर्थ, यहां से मैग्नेटिक लाइन इंटर कर रही है तो साउथ, यहां पे मैग्नेटिक लाइंस इधर की तरफ इंटर करेंगे तो साउथ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल। अब हमने जो दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि अगर दो अपोजिट पोल्स एक दूसरे के पास आ जाएं, ये देखो यहां पे क्या आ गए, नॉर्थ साउथ पोल क्या आ गए, एक दूसरे के पास
पास आ गए, तो यहां पे कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। क्लियर, समझ में आ गया? क्योंकि यहां पे हमने जब पोल्स प्लॉट किए तो हमने देखा कि दोनों पोल्स कैसे आ गए, ये अपोजिट पोल्स आ गए, तो यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर दो कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल डिस्टेंस पे रखे हैं और उसमें बहने वाली जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, तो उसमें कैसा फोर्स लगेगा? तो फोर्स कैसा लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि मान लो किसी कंडक्टर में क्या है, इस करंट की डायरेक्शन को हम उल्टा कर दें। इसको मैं रफ कर लेता हूं, सेम वही कंडक्टर है, अब हमने क्या कर दिया चेंज, इसको बोलेंगे केस टू। तो केस टू में हमने ये आई टू की डायरेक्शन क्या कर ली, नीचे कर ली। तो जब आई टू की डायरेक्शन नीचे करेंगे तो ये तो वही सेम रहेगा, क्योंकि भाई इसमें पोल्स वही बनेंगे नॉर्थ साउथ, क्योंकि हाँ यहां पर हमने कोई चेंजेस नहीं किए। अब यहां पे हमने चेंजेस कर दिए तो इसकी वजह से हमें सबसे पहले पोल प्लॉट करने होंगे। तो पोल्स कैसे, अंगूठे को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को ऐसा करेंगे कि जो तार है ये फिंगर्स के बीच में आ जाएं। तो फिंगर्स क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन। तो यहां पर देखेंगे मैग्नेटिक लाइन्स यहां से इंटर करेंगे और यहां से मैग्नेटिक लाइन्स निकलेंगी, यहां से निकलेंगे, निकलती कहां से, नॉर्थ पोल से। तो नॉर्थ पोल कहां बनेगा, यहां पर बन जाएगा, और साउथ पोल कहां बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम बेसिक मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल लगाएंगे कि भाई साउथ साउथ पोल क्या आ गए, एक दूसरे के पास आ गए। जब साउथ साउथ एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो क्या कैसा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर प्रतिकर्षण। क्लियर, समझ में आ गया? तो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगर दो कंडक्टर्स हैं दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, एक दूसरे से रिवर्स है और दोनों एक दूसरे से पैरेलल डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनमें कैसा फोर्स लगेगा? तो उसमें लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। बहुत इजी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आपको नहीं भूलना है, सिंपल क्या करना है, पोल्स बना लेना है इस टाइप से, फिर पोल्स देख लेना कि यहाँ पे कौन कौन से पोल्स आ रहे हैं, अपोजिट पोल्स आ रहे हैं तो पोल्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर सेम पोल्स आ रहे हैं तो पोल्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर, अब एग्जाम में कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। ये जो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई और इनके बीच की दूरी डी। तो आप लोग ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी है फ्री स्पेस की, आई वन आई टू क्या है, दोनों कंडक्टर से बहने वाली करंट है, एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ, यहां ये जो एल लेंथ है, और डी क्या है, इनके बीच की दूरी, या फिर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई अपॉन डी। तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं तो उन पैरेलल कंडक्टर्स के पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला, तो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। और फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन, जब करंट डायरेक्शन सेम होगी तो फोर्स अट्रैक्शन लगेगा, जब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी, तो फोर्स क्या लगेगा, रिपल्सन। ठीक है, तो ये बेसिक्स से हम लोगों ने समझ लिया अच्छे तरीके से। आप लोगों में कई लोगों ने शायद इस टॉपिक को इससे पहले कहीं और दूसरे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत सिंपल ट्रिक की सहायता से या सिंपल कॉन्सेप्ट की सहायता से समझाने की कोशिश की है। से उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज अब समझ में आ गई होगी और आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर भूल भी जाते हैं तो सिंपल जो मैंने बेसिक्स बताया मैग्नेटिज्म के, उसकी हेल्प से विद इन अ मिनट इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, या फिर इस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो उसको वहां पे कंफ्यूजन अगर आ जाए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन क्या लगेगा, तो वहां पे बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं मैग्नेटिज्म के तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका कंफ्यूजन वहां पे दूर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल पर जुड़िए, जिससे कि जल्द से जल्द हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड जीरो से, जहां से इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग होती है वहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना या समझना इसी तरीके से स्टार्ट कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।